आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे 12th चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो सबसे पहले बात आएगी कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कोई कंडक्टर है, मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर, अब जो भी आपकी बिजली आती है घर में वो किसी वायर के थ्रू आती है। अब उस वायर में ऐसा क्या होता है कि उसमें से बिजली आती है, जबकि अगर उसी वायर को अगर अपन प्लास्टिक का बना दें या लकड़ी का बनाते हैं तो उसमें से बिजली नहीं आएगी, या कोई भी जो हीट वगैरह है उसमें से नहीं आती है। तो ऐसा क्या होता है उसके अंदर जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या इलेक्ट्रिसिटी जाती आती है। तो इस कंडक्टर में क्या होता है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन होते सब में है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं ना। किस स्टेट में मिलेंगे, फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट का मतलब है इधर उधर घूमते रहते हैं वो इसमें। तो अगर आप इसको यहाँ से गर्म करोगे ना तो ये वाले इलेक्ट्रॉन चार्ज होंगे, चार्ज होने का मतलब इनमें एनर्जी बढ़ जाएगी और ये यहाँ से भागेंगे इधर और सारी जो एनर्जी है वो इधर लेके जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद में आप देखोगे कि कोई भी मेटल की जो चीज़ है वो अगर आप उसको इस हिस्से से गर्म करते हो तो इधर वाला हिस्सा भी गर्म हो जाता है उसका। तो इसका रीज़न क्या है कि इनमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही एनर्जी जो होती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लाइक कैरियर का काम करते हैं ना, किसका काम करते हैं, कैरियर का, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का। जैसे आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप साइकिल मोटरसाइकिल का यूज़ करते हो, तो ऐसे ही जो होता है तार के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने भी तार होते हैं ना आपके घर में, जो लाइट आती है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या होता है कि एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है। बिना तारों की बिजली नहीं आती है, ऐसा थोड़ी होता है कि बिना तार के बिजली आ गई, आपका पंखा बिना तार के चल गया, ठीक है। तो तारों के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, बिजली चलती है। अब देखो असली कहानी जो स्टार्ट होती है, सबसे पहला आपका पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन ये है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर विद रेस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज फ्लो हो रहे हैं विद रेस्पेक्ट टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या फ्लो हो रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहे हैं। चार्ज का मतलब है, अब देखो फॉर्मूला इसका बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आई से, और आई बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। अभी चार्ज कहां से आया है तो पहले इसको समझो। चार्ज होता है बच्चों, एक तो इसको क्यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, और क्यू बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि अगर किसी कंडक्टर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो एक अच्छा कंडक्टर कहलाएगा, क्योंकि इसमें जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतना ही ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसमें कम, उतना ही कम क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप जानते हो कितना होता है, आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ अगर चार्ज का नंबर जो है 10⁻¹⁹ है, ये संख्या क्या है, अरबों खरबों में संख्या है, 10⁻¹⁹ का मतलब है 10 के आगे आप 19 जीरो लगाओ, ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन है मान लो किसी कंडक्टर के अंदर। तो अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ उसमें से चार्ज कितना बहेगा, तो आपको चार्ज का फॉर्मूला लगाओगे, क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई, एन आपको दे रखा है ये 10⁻¹⁹, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है आपके पास में 1.6 × 10⁻¹⁹। तो इस प्लस के 19 से तो ये माइनस का 19 कट जाएगा, तो आपके पास केवल कितना चार्ज आएगा, 1.6 कूलम, चार्ज का मात्रक है कूलम, तो केवल 1.6 कूलम आएगा। देखो मतलब इतना छोटा वैल्यू होता है चार्ज का कि अगर आप 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन इसमें से बहेंगे तब आपको मात्र कितना सा चार्ज मिलेगा, 1.6 कूलम का चार्ज मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी डेफिनेशन है कि अगर किसी भी कंडक्टर में से चार्ज फ्लो होता है विद रेस्पेक्ट टाइम तो अपने को क्या मिलता है, करंट मिलता है, क्या मिलता है, करंट मिलता है। चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, करोड़ है, 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, जितने भी हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसमें उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, चार्ज आएगा, उतना ही ज़्यादा उसमें से क्या आएगा,
चार्ज बहेगा, ठीक है ना। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Q अपॉन टी, चार्ज को किससे लिखते हैं, Q से, और टाइम को किससे लिखेंगे, T से। अब Q का फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला है, तो एन ई अपॉन टी, ठीक है। चार्ज का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, यूनिट होता है चार्ज का, वो होता है कूलम, क्या होता है कूलम, और टाइम का जो होता है वो होता है सेकंड। तो कूलम अपॉन सेकंड जो है, एक नया आपके पास में यूनिट आएगा जिसको बोलते हैं एम्पियर। तो करंट का जो यूनिट है बेटा वो क्या है, एम्पियर है। आप कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाओगे तो उस पर देखना, चाहे बल्ब लेके आओ, चाहे आप कुछ भी लेके आओ, टीवी वगैरह लेके आओ, तो उसके पीछे लिखा होता है इनपुट और आउटपुट। इनपुट में आपको जैसे कैपिटल ए लिखा हुआ है, इस कैपिटल ए का मतलब है कि वो जो डिवाइस है आपका वो कितना एम्पियर का करंट लेता है, 2 एम्पियर लेता है, 10 एम्पियर लेता है, 20 एम्पियर लेता है, वो डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी पे। तो एम्पियर का मतलब क्या है यहाँ पे, करंट से। एम्पियर का मतलब किससे है, करंट से, कि उस सर्किट में से कितना करंट जाएगा या वो जो डिवाइस है कितना करंट लेगा, ठीक है। अब इसका एक सिंपल सा अपन एग्जाम्पल करते हैं कि मान लो आपके पास में कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में चार्ज जो बह रहे हैं उस चार्ज की वैल्यू है 20 माइक्रो कूलम। इस म्यू का मतलब होता है माइक्रो, और एक माइक्रो की वैल्यू होती है बच्चों 10^-6। ये एक माइक्रो की वैल्यू है, एक माइक्रो की वैल्यू होती है 10^-6। इतना माइक्रो कूलम एक चार्ज बह रहा है, और कितनी देर के लिए बह रहा है, मान लो टाइम आपको दे रखा है 10 सेकंड के लिए बह रहा है। अब आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें से कितना करंट बह रहा है। तो देखो करंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, चार्ज अपॉन टाइम, करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम है। तो चार्ज आपको दे रखा है 20 माइक्रो कूलम और टाइम आपको दे रखा है 20 सेकंड, दोनों को इस फॉर्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा आपका। तो आई बराबर आप रखोगे क्यू बटा टी, क्यू आपका 20 माइक्रो कूलम, तो 20 माइक्रो को 10^-6, और टाइम आपको कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास में आंसर आएगा 2 10^-6 एम्पियर। करंट को एम्पियर में नापते हैं, करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर में। तो आपके पास में वैल्यू आई 2 × 10^6 एम्पियर, या आप इसको लिख सकते हो 2 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि 10^6 क्या होता है, 1 माइक्रो। तो 2 माइक्रो एम्पियर इसमें से करंट बहेगा जब किसी भी कंडक्टर में से 20 माइक्रो कूलम का चार्ज बह रहा है 10 सेकंड के लिए, तो उसमें से करंट कितना आएगा आपके पास में, 2 माइक्रो एम्पियर का करंट आएगा। तो ये तो हो गई पहली बात कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये बहता कैसे है, तो इसको बहने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए कि इस करंट को बहा कौन रहा है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना भाई, हमने पढ़ा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बढ़िया बात है, घूमते फिरते हैं। अगर ऐसा होता कि किसी भी कंडक्टर में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अगर आप किसी भी मेटल की चीज़ को हाथ लगाते ना, तो वो आपको झटका मारती, बिजली बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी भाई। अपन तो ये पढ़ रहे हैं कि करंट फ्लो होता है, इसका मतलब किसी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। करंट को फ्लो करवाने के लिए एक जो ज़रूरी चीज़ है वो पढ़ेंगे अपन, और उसको बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल या इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मान लो आपके पास में कोई चार्ज यहां रखा हुआ है, ये क्यू चार्ज है, इसको आपको उठा के यहां लेके जाना है, इस बी पॉइंट पे ले जाना है, यहां पे ए पे रखा हुआ है, ठीक है। इस ए पॉइंट पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस क्यू चार्ज को उठा के आपको बी पॉइंट पे लेके जाना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको उठा के यहां लेके जाओगे तो आपको इसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाओगे तो आपको कुछ वर्क इस पर करना पड़ेगा,
इसमें वर्क ऐड करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल क्या कहता है कि अगर किसी चार्ज को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाते हो तो जो उस पर वर्क करते हैं और उस चार्ज का जो रेशियो है वो क्या होता है, पोटेंशियल के बराबर होता है। मतलब V बराबर होगा W अपॉन Q, चार्ज अपॉन सॉरी वर्क अपॉन चार्ज। जनरल भाषा में समझते हैं इसको, आपको इसको यहां से उठा के यहां लेके जाना, धक्का मारना है इसको। अगर मान लो ये ऊंचाई पर है तो आपको धक्का ज्यादा मारना पड़ेगा, अगर समतल पे है तो धक्का कम मारना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये B वाला पॉइंट हायर ऊंचाई पर ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी उसको पहुंचाने के लिए वहां पे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है अगर वर्क ज्यादा होगा तो उसका पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, अगर चार्ज की वैल्यू कम है तो भी पोटेंशियल ज्यादा है। अगर मान लो बड़ा चार्ज है, यहाँ पे 20 कूलाम 25 कूलाम 50 कूलाम का अगर चार्ज है, उसको यहाँ तक पहुँचाने में आपको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए उसका पोटेंशियल ज़्यादा आएगा। तो कहने का मतलब ये है पोटेंशियल जो होता है, अब इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं ना, जैसे आपने पढ़ा है कि किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को इधर से जो धक्का मारेगा, भाई धक्का मार के इधर भेजना है ना इनको, करंट फ्लो कब होगा, जब आप इसको धक्का मार के इधर भेजोगे तभी तो करंट फ्लो होगा। लाइक पानी का जो, जैसे पाइप में से पानी बह रहा है वैसे सेम तार में से क्या बहता है, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, और तार में से इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो आपके पास में बिजली आती है। तो अब इसको धक्का मारने वाला कोई चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ कौन है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल आपको जनरल भाषा में याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, है ना। इलेक्ट्रॉनों को जो धक्का मारेगा वो पोटेंशियल होगा। अब ये पोटेंशियल क्या करता है, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाता है, और इन फ्लो की वजह से ही आपको क्या मिलती है, करंट मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V बराबर W बटा Q। W होता है वर्क और Q है चार्ज, जो अभी अपन ने पढ़ा है चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज जो होता है, अब वर्क को बताओ किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं, और चार्ज को अभी अपन ने मेजर किया है कूलाम में। तो जूल अपॉन कूलाम जो होता है, एक नया यहां पे यूनिट आएगा और इसको बोलते हैं अपन वोल्ट। तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में नापते हैं, किस में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्या होगा, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक चार्ज को उठा के और यहां पे लेके जा रहा हूं, इस चार्ज को उठा के यहां लेके जा रहा हूं ना, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है, वर्क ऐड हो रहा है। भाई जैसे मान लो मेरे पास में ये चार्ज है कोई, इस चार्ज को मैं उठा के यहां लेके जा रहा हूं, यहां तक आ गया तो मैंने उसके ऊपर, यहां से यहां तक उठा के लाया तो इसके ऊपर वर्क किया, तो एक्स्ट्रा वर्क ऐड हो गया इसमें। तो इस पॉइंट पे आते ही जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब अपने को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है इन दोनों पॉइंट का अंतर निकालना है। पोटेंशियल को वी से लिखते हैं तो इस पॉइंट का तो हो जाएगा वी ए और इस पॉइंट का हो जाएगा वी बी। अंतर निकालने के लिए हमेशा ज्यादा में से कम को घटाते हैं, तो अपन करेंगे वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, और किसके बराबर, पोटेंशियल होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू के बराबर। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब है कि अगर किसी तार के दो कॉर्नर है ना, तो उन दोनों कॉर्नर में से आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना उनका, और वो पोटेंशियल जो आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा जो W अपॉन क्यू होता है, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपका पोटेंशियल है। अंतर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस तो दो कॉर्नर का निकलता है और पोटेंशियल केवल एक सिंगल पॉइंट का निकलता है, ठीक है। अगर इन्फिनिटी से किसी चीज़ को किसी तक ला रहे हैं तो उसमें तो आपका पोटेंशियल आएगा, और अगर दो पॉइंट का आपको पोटेंशियल निकालना है तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये सेम ऐसे ही है, अगर मान लो आप किसी बल्ब को 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ोगे तो उसमें से चार्ज ज़्यादा बहेगा। देखो वोल्टेज जो होता है
ये इसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। अगर बैटरी ज़्यादा पावरफुल है तो वो ज़्यादा करंट फ्लो करवाएगी, सीधी सी बात है। अगर आप किसी बैटरी से, डिस्चार्ज बैटरी से किसी बल्ब को जोड़ोगे तो वो कैसा जलेगा, कम जलेगा। और अगर उसी बल्ब को आप फुल चार्ज बैटरी से जोड़ोगे तो कैसा जलेगा, फुल जलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्चार्ज बैटरी है उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा धक्का मार सके, जबकि जो डिस्चार्ज बैटरी है उसकी पावर क्या है, सॉरी जो फुल चार्ज बैटरी उसकी पावर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा धक्का मारेगी, और ज़्यादा अगर धक्का मारेगी तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बहेगी, और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बहने के कारण वो जो बल्ब है अच्छी तरह से जलेगा। अब आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है इन दोनों को मिला के एक लॉ है, और बहुत फेमस लॉ है जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक जर्मन साइंटिस्ट है, ओम नामक, जॉर्ज साइमन ओम, उसने ये लॉ दिया था। देखो क्या है ये लॉ, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से जोड़ते हैं, ये बैटरी का साइन है प्लस और माइनस, ठीक है, ये आपका कोई कंडक्टर है, इसमें से ऐसे इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर के कॉर्नर्स पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है वो उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है कि किसी कंडक्टर के कॉर्नर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है वो उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो इसके दो कॉर्नर हैं, मान लो ये ए है और ये बी कॉर्नर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इससे ज़्यादा हायर एनर्जी पे ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें क्या होगा, मतलब जो पोटेंशियल आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसमें बहने वाले करंट के। ये स्टेटमेंट किसका है, ओम का है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट होगा, सीधी सी बात है। अगर आप वोल्टेज डबल कर देते हो तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जितना एक चीज़ को बढ़ा रहे हो उतनी दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी, उसी रेशियो में बढ़ेगी। अगर आप वोल्टेज डबल कर दिए तो करंट भी डबल हो जाएगा, अगर आप वोल्टेज आधा कर दिए तो करंट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ रहे हो ना कहने का मतलब, मतलब जैसे मान लो ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी हो, पहले आपने अगर मान लो 2 वोल्ट की बैटरी लगाई उससे आपको कुछ करंट मिला, मान लो 5 एम्पियर का या 1 एम्पियर का करंट मिला, अब आप 4 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हो, डबल कर दिए इसके, तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि जिस रेशियो में आप वोल्टेज पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो उसी रेशियो में आपका करंट भी बढ़ जाएगा, जिस रेशियो में कम कर रहे हो उसी रेशियो में कम हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और एक नई वैल्यू आती है जिसको बोलते हैं आर। अब इस आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, इस आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब ये देखो रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका तो कॉम्बिनेशन भी आपसे आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बेसिकली कंडक्टर का प्रॉपर्टी होती है, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं ना उन चार्ज फ्लो को रोकता है। अगर किसी कंडक्टर में से चार्ज बह रहे हैं ना तो उन चार्ज को जो रोकेगा बहने से वो होगा रेजिस्टेंस। भाई रजिस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है रोकना, विरोध करना, अपोज करना, ठीक है, विरोध करना। तो रजिस्ट करेगा इसका मतलब जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं ना उनको ये क्या करेगा, रोकेगा, और चार्ज फ्लो को रोकेगा तो इसलिए इसको रेजिस्टेंस बोला गया है, और ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। अब ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी तो जिस, देखो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें से करंट बहुत कम बहेगा, अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें से करंट कम बहेगा। क्यों बहेगा, क्योंकि वो फ्लो होने से रोकता है, जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं उनको रोकेगा। तो रेजिस्टेंस का जो इसने मात्रक बताया वो मात्रक ओम होता है, और इसका ये साइन होता है ऐसे,
ठीक है, ये आपका जो रेजिस्टेंस है उसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, जो कि साइंटिस्ट ओम के सम्मान में इसको दिया गया है ओम, ठीक है, ये ओम का साइन है। आपने पता होगा हिंदी वाला ओम तो ऐसे कुछ बनता है ऐसे, ये वाला जो है जर्मन साइंटिस्ट की वजह से इसको ओम बोला गया है, ये रेजिस्टेंस का साइन है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जो होता है ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होता है, और रेजिस्टेंस का मतलब है इट अपोज द फ्लोइंग ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, चार्ज में जो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो होते हैं उन चार्ज को फ्लो होने से रोकता है, इसलिए इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब इस रेजिस्टेंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देखो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, अब डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, देखो ये आपके पास में कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को ये इसकी लंबाई है और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको मोटाई बोलते हैं अपन, ये दो चीजें हैं। अपन चेक कर रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो पहली बात है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब जो रेजिस्टेंस आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लंबाई के, ठीक है। सेकंड चीज है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, मतलब आर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये दो इक्वेशन है भाई। जो रेजिस्टेंस होता है इस लंबाई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज़्यादा लंबा तार उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस, और इसका जो मोटाई है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब अगर मोटा तार है तो रेजिस्टेंस कम है, तार अगर मोटा है तो रेजिस्टेंस कम है, तार अगर पतला है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो अपने पास में एक फॉर्मूला बनता है, देखो आर एल अपोन ए, और ये जो प्रोपोर्शनल का जब भी साइन रहता है तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है, तो यहां कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं रो एल अपॉन ए। एक ये रेजिस्टेंस का आपके पास में फॉर्मूला है और न्यूमेरिकल इसमें से बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल इसमें से पूछता है, ठीक है। तो देखो रो का मतलब है रेजिस्टिविटी, रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी जो है एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, और रेजिस्टिविटी देखो अगर आप यहां से रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालोगे तो कैसे निकलेगा, तो रेजिस्टिविटी बराबर हो जाएगी आपके पास में R इंटू ए अपॉन एल, ठीक है ना। अपन रेजिस्टिविटी का यूनिट फाइंड कर रहे हैं, जो जनरली आपसे पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, तो R तो होता है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और इसका होता है मीटर, तो एक मीटर से एक मीटर काटा गया तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो ओम इंटू मीटर होता है, ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टिविटी का यूनिट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि ये जो आपका रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल हैं वो आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं तो उनको सॉल्व करेंगे।